उधारी वापस लेने के लिए मोहन धूप में पसीना बहा रहा है पर सिर्फ तारीख पे तारीख पा रहा है, और एसी में बैठा रोहन पैसे ऑनलाइन पा रहा है। कैसे? खाता बुक, डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता, मुफ्त, सुरक्षित और आसान। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। पिछले 3-4 दिनों से CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का देश भर में विरोध हो रहा है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन 15 दिसंबर को ये विरोध प्रदर्शन वायलेंट हो गया। पुलिस कैंपस में घुस गई, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए। जामिया कैंपस के अंदर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में JNU स्टूडेंट्स और आम लोगों ने ITO स्थित दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव किया, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ये चीज सोशल मीडिया पर वीडियोज और लोगों के ट्वीट्स के माध्यम से भयानक तरीके से फैल गई। लोगों ने अपना अपना पक्ष चुनकर बात बहस शुरू कर दी, मामला ट्रेंडिंग हो गया। इस दौरान हर बात पर लेक्चर झाड़ने वाली अपनी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह गायब रही। लोग पूछ रहे थे कि जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाई, पतंग उड़ाई, नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू लिए, वो अब कहाँ हैं? ऋचा चड्ढा, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप और अनुभव सिन्हा को छोड़कर किसी मजबूत फैन बेस वाले सितारे ने इस मामले पर कोई बात नहीं कही। अभी यह बहस चल ही रही थी कि अक्षय कुमार का ट्वीट आया। ये ट्वीट माफी मांगने के लिए था। हुआ ये था कि अक्षय कुमार ने ट्विटर पर एक वीडियो को लाइक कर दिया था। क्या था उस वीडियो में? ट्विटर पर देसी मोइतो नाम का एक हैंडल है। इस हैंडल से 15 दिसंबर की शाम 7:22 पर एक वीडियो ट्वीट किया गया। ये वीडियो उस समय का है जब पुलिस की मार से बचने के लिए छात्र जामिया की लाइब्रेरी में घुस गए थे। पुलिस लाइब्रेरी में घुसकर उन्हें पीट रही थी और आंसू गैस के गोले दाग रही थी। छात्र बदहवास होकर अपनी जान बचाने को यहां वहां भाग रहे थे। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, बधाई हो, जामिया में आजादी मिल गई। तो अक्षय कुमार ने क्या किया? अक्षय कुमार ने इस वीडियो के पोस्ट होने के थोड़ी ही देर बाद इसे लाइक कर दिया, ये जानते हुए कि उस वीडियो में क्या हो रहा है और कैप्शन में क्या लिखा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं वो इन चीजों से सहमत थे। इस लाइक के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लोगों ने खूब डांट पिलाई और इस हरकत को बेवकूफाना और गैर जिम्मेदार बताया। 16 दिसंबर की सुबह 11:51 पर अक्षय कुमार ने एक और ट्वीट किया। इसमें वो लिखते हैं, जामिया मिलिया स्टूडेंट्स वाले ट्वीट पर जो लाइक हुआ वो गलती से हुआ था। मैं स्क्रॉल कर रहा था और इसी दौरान अचानक से लाइक वाला बटन दब गया होगा। हालांकि मुझे तुरंत इस बात का भान हुआ और मैंने उस ट्वीट को अनलाइक कर दिया। मैं किसी भी हालत में इस तरह की हरकतों और बातों का समर्थन नहीं करता। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इस ट्वीट को करते हुए भी अक्षय कुमार झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने इस ट्वीट को लाइक करने के तुरंत बाद नहीं, कम से कम 15 घंटे बाद अनलाइक किया था, और इस बात की संभावनाएं भरपूर हैं कि उन्होंने ऐसा अपना PR या सोशल मीडिया टीम के कहने पर किया होगा। कम से कम लोग तो यही कह रहे हैं। लोगों ने उनका ये झूठ भी पकड़ लिया और इसके बाद से वो लोगों के निशाने पर आ गए। ट्वीट्स की टाइमिंग का सबूत आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई, टच स्क्रीन वाले मोबाइल पर गलती किसी से भी हो सकती है, हम सबसे भी हो जाती है, लेकिन उसको कवर करने के लिए झूठ जो बोला गया वो जनता को रास नहीं आया। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज दी ललन टॉप को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी जुटाई थी श्वेतांक ने, मेरा नाम प्रतीक्षा है और कैमरे पर है राशिद। शुक्रिया।